अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डीबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप जब भी किसी क्लाइंट साइड या आपके प्रोडक्ट बेस या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो आपको जब भी किसी तरह का बग आपको फेस होता है तो आप उसकी स्पेसिफिक डीबगिंग करते हो। तो डीबगिंग के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन की हुई है उनको हम देखते हैं और वन बाय वन उनको डिफाइन करते हैं। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स और एरर्स। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डिफेक्ट को फाइंड आउट करने का नाम ही डीबगिंग है। देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डीबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने कुछ मेंशन की हुई है कि आप किस तरह से किसी भी स्पेसिफिक बग को जो है वो पहले तो डिटेक्ट करेंगे, या एक अप्रोच होती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की किसी भी बग को समझले फाइंड करने की, उसको डिटेक्ट करने की एक स्पेसिफिक क्या होती है हमारी एक समझले की अप्रोच होती है, और वो बहुत वैल्यूएबल होती है। वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वो चीजें आ रही होती हैं। तो सबसे पहली जो अप्रोच यहाँ पे लिखी गई है कि जो बग आपको फेस हो रहा है या किसी भी एंड यूजर को हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले रिप्रोड्यूस कर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बग को रिप्रोड्यूस करना है। बिफोर अटेम्प्टिंग टू डीबग एन इश्यू, ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट। यानी आपने पहले तो वो बग खुद से रिप्रोड्यूस करना है ताकि पता चले यार एक्चुअल मसला है क्या। ठीक है, ये आपको उस बग को समझने में या उस बग की वजह को समझने में हेल्पफुल रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आप डीबगर यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या बहुत सारी आपकी जो भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो डीबगर एक बार भी आता है आप नीचे इंक्लूड करके, इफ यू आर वर्किंग विद लारावेल और यू कैन से इफ यू आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट और अदर काइंड ऑफ टूल्स या प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे डीबगर आते हैं जिनके थ्रू आप स्पेसिफिक डीबगर को यूज करके एक स्पेसिफिक बग को बिल्कुल डीप में जाके समझ ले आइडेंटिफाई कर सकते। दूसरा तरीका तो ये है कि आपको डीबगर यूज करना चाहिए। तीसरा ये है कि सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। अब देखें, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है या आपकी एक क्यूरी है जिसमें आपका रिकॉर्ड आ रहा है लाखों करोड़ों समझ ले यूजर्स का या कस्टमर्स का या आपके स्टेक होल्डर्स का, व्हाटएवर। तो उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप आपके बग को आपको यूनिट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक बहुत बड़े बग को ब्रेक करना है इन स्मॉलर पार्ट्स। एक एक पार्ट को फिर आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर जाके एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन उस बग का ढूंढना है। तीसरा तरीका हमारा ये है। चौथा तरीका ये है कि आप लॉगिंग यूज कर सकते हैं। लॉगिंग वैसे बहुत ही समझ लें हमारे पास एक अच्छी अप्रोच होती है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर इसको यूज नहीं करते। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बेशक लॉगिंग को भी यूज कर लें, ताकि आपको जब आप चला रहे होते हैं अपने इस प्रोग्राम को तो हर एक स्टेप के बाद आप एक लॉग सेव करवाया करें, ताकि आपकी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो भी एक जर्नी है क्रिएट होने से समझ लें एंड होने तक उसकी एक लॉगिंग होती जाएगी। तो उस लॉग से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम कब अकर होता है, किस स्टेप पे होता है, किस स्टेज पे होता है, ताकि वो आपको उसको समझ आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप लॉगिंग यूज कर सकते हैं। तो कुछ अजम्पशंस होती हैं जो आप यार इसकी वजह से वो बग हो सकता है, तो उन अजम्पशंस को भी समझ के और आप उस पर भी काम करके एक स्पेसिफिक बग को टारगेट कर सकते हैं और उसको आप स्पेसिफिकली एक अप्रोच से आप आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगती है कि आप उस बग को पहले तो खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या एट लीस्ट आपके जो एक्सपीरियंस जो कोवर्कर होते हैं या आपके जो डेवलपर हैं या क्यूए की टीम है जिन लोगों ने ये बग आइडेंटिफाई मकसद किया है ड्यूरिंग क्यूए सेशन, या एंड यूजर्स जब बग निकालते हैं तो उसके बाद क्यूए आपको बता देता है कि ये बग आ रहा है, तो आप क्यूए से बैठ के भी ये चीजें जो है वो कोलैबोरेट करके, या आपके जो समझ लें एक्सपीरियंस जो कोवर्कर हैं जो आपके लीड हैं या सीनियर डेवलपर्स हैं उनके साथ भी आप उस बग को जो है वो एक्सप्लेन करके उसके उनके साथ शेयर करके भी उसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। टेस्ट फिक्सेस। अच्छा, आपने एक बग ढूंढ लिया, उसको फिक्स भी कर लिया,
ऐसा ना हो कि एक बग तो रिजॉल्व कर लिया लेकिन उसकी वजह से 15 और बग जो है वो क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने एक बग ढूंढा, उसको रिजॉल्व किया, उसके बाद उस बग का एक क्या करना है, आपने एक बहुत अच्छे से खुद यूनिट टेस्टिंग करनी है, और उसके बाद आपकी एक टेस्टिंग जो कि क्यूए टीम करती है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय इट ऑन अ सर्वर। तो उसके लिए भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आपके एक फिक्स की वजह से 15 चीजें और हिल जाएं, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोचेस थी जिसके थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक बग को ढूंढ के और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये आपको हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।